हाँ जी बेटा, आप डिस्कस कर रहे सी एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, इस तो पहला आप डिस्कस किया सी व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड। एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल दे विच असी दो एक्सेप्शंस डिस्कस कर लिया सी। फर्स्ट वॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, थर्ड असी एक्सेप्शन करन लगे हाँ, दैट इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो हूँ ये थर्ड एक्सेप्शन है टू द ऑक्टेट रूल। इस विच असी की देखांगे, देयर आर सर्टन मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ मोर दैन 8 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मोर दैन 8 का मतलब की हो गया बेटा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्कस करिए PCl5। ठीक है, तो हम देखो बेटा फॉस्फोरस है जो, इसका एटॉमिक नंबर किन्ना है 15, तो कॉन्फिगरेशन की होगी 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p3, तो इसकी वेलेंस शेल कॉन्फिगरेशन की है 3s2 3p3, मीन्स इट हैज़ 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लुईस डॉट सिंबल की बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली अगर असी क्लोरीन की गल करिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो यदि कॉन्फिगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो क्लोरीन की वेलेंस शेल कॉन्फिगरेशन की बन जाएगी 3s2 3p5। सो दिस विल बी 7 वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। सो इन केस ऑफ PCl5, फॉस्फोरस हैज 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 वेलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द डायग्राम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 1। नाउ फर्स्ट क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली सेकेंड क्लोरीन, देन थर्ड क्लोरीन, देन फोर्थ क्लोरीन एंड नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्लोरीन। सो इफ वी नोटिस इन दिस केस फॉस्फोरस हैज 10 वेलेंस इलेक्ट्रॉन। सो फॉस्फोरस हैज 10 वेलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 4 6 8 10। सो इन दिस केस फॉस्फोरस हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेलेंस शेल। इफ वी सी द कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन, ईच क्लोरीन हैज 8 वेलेंस इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, बट सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हैज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है साड़ी बेटा ऑक्टेट रूल दी, दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन ऑड स्पीशीज। देयर आर सर्टन
मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड, फॉर एग्जाम्पल एन ओ दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. इन केस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. अगर बेटा असीं इसनूं ध्यान नाल देखण की कोशिश कर रहे हैं तां नाइट्रोजन की जो ऑक्टेट सॉरी वेलेंस शैल है इट हैज 7 वेलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर असीं ऑक्सीजन की देख रहे हैं इट हैज 8 वेलेंस इलेक्ट्रॉन. सो सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज ऑड स्पीशीज. तो इस दे विच भी नाइट्रोजन ने है जो ऑक्टेट रूल नूं फॉलो नहीं किया. ठीक है, फिफ्थ जो इस दी एक्सेप्शन है या तुसी कह सकते हो ऑक्टेट रूल दी जो एक ड्रॉबैक है जो कमी है इट बेटा ता फर्स्ट है नेक्स्ट है सॉरी बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन इट could not explain the shape of molecules. ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो कमी है. सिक्स्थ है इट could not explain the stability of molecules. ठीक है, सो दीज आर द एक्सेप्शंस और यू कैन से लिमिटेशंस टू ऑक्टेट रूल. केड़ियाँ केड़ियाँ ने बेटा? फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेकेंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स, थर्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन ऑड स्पीशीज, फिफ्थ इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सो विद दिस योर टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड इज कंप्लीटेड. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हाँ जी, इन जनरल देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड एंड योर कोवलेंट बॉन्ड. द मेन डिफरेंस इन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इज दैट इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द complete transference of electrons from one atom to another. ठीक है, उदे विच जो एक एटम है वो completely अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम नू ट्रांसफर कर देंदा है. ठीक है, और इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वी हैव नोटिस दैट बोथ एटम्स, बोथ और मोर देन टू एटम्स, जिन्हें भी बेटा एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे ने इन एनी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. मीन्स द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स of same or different molecule, that is known as your covalent bond. But nowadays there is third type of bond, that is your coordinate bond. उन इस coordinate bond दे विच की होएगा बेटा, जो bond formation होन वाले जो एक atom होएगा उसकी octet ता already complete होएगी. ठीक है, और जो दूसरा एटम होएगा दैट विल बी डेफिशिएंट बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान नाल सुनो बेटा, जिहड़े दो कंबाइनिंग एटम्स होंगे उन्हां दे विच की होएगा, जो एक एटम होएगा उसकी जो वेलेंस शैल है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, मीन्स इट हैज़ 8 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बट द अनदर एटम
ठीक है, विल बी डेफिशियंट बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस दे विच असी की नोटिस करांगे, जिस एटम दी जो वेलेंस शैल पहला ही कंप्लीट है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम नू बैक डोनेट करेगा। ठीक है, तो असी इनू डिफाइन किवें करांगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ टू वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय दैट इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ टू वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम by one atom which has complete octet to another atom which is deficient by two electrons। तो की हो गया बेटा, the bond which is formed by donation of two valence electrons by one atom which has complete octet to another atom which is deficient by two electrons is known as coordinate bond। ठीक है, उन इस जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड के होर भी कई नाम ने, केड़े केड़े बेटा, डेटिव बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड, नेक्स्ट इज योर बैक बॉन्डिंग एंड कोऑयनिक बॉन्ड। ठीक है, दीज आर द अनदर नेम्स फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केड़े केड़े ने बेटा, डेटिव बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग एंड कोऑयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हुण असीं देखते हाँ कि इसनों किवें ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुंदी किवें है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, NH3 मॉलीक्यूल। ठीक है, तो ये असीं एग्जाम्पल डिस्कस करन लगे हाँ। NH3 मीन्स अमोनिया, दिस इज योर अमोनिया मॉलीक्यूल। ठीक है, हुण अमोनिया मॉलीक्यूल सानू पता है नाइट्रोजन हैज़ 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसने उदे विचो जिहड़े 3 वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 3 हाइड्रोजनस दे नाल शेयर किते हुए ने। ठीक है, और बेटा इहदे कोल जिहड़े आ वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो जिहड़े आ वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, हुण जे तुसी इहदी ऑक्टेट देख रहे हो बेटा, यह कंप्लीटिड है। ठीक है, तो ये जिहड़े मैं इन्हां 2 इलेक्ट्रॉन्स की गल कर रही हूँ, दीज 2, ठीक है, दीज विल बी बैक डोनेटिड। ठीक है, ये जिहड़े दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने, इस कोल जिहड़ा फॉर एग्जाम्पल ये कोल H+
पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है। तो हूँ एच पॉजिटिव का मतलब की है बेटा, हाइड्रोजन को एक इलैक्ट्रॉन होंगे तो वह भी जोड़ा एक इलैक्ट्रॉन है वह ऑलरेडी किसी को दे चुका है, तो एज ए रिजल्ट ये उपर कि साइन आ जाएगा पॉजिटिव, तो कि बन जाएगा हाइड्रोजन ऑयन। तो हूँ अगर असी इस ध्यान देखिए तो इस दे विच जो हाइड्रोजन है इनू दो इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत है ता कि यह हीलियम वाली कॉन्फिगरेशन नू एक्वायर कर लवे। तो इस करके इस केस दे विच जो तुहाडा नाइट्रोजन है वो अपने दो इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों दे दोनों इलैक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन नू डोनेट कर रहे हैं और बाकी उसके कोल आ तीन बेटे की बनिया हुई ने हाइड्रोजन्स नाल नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि जिहड़ी ये तीन बॉन्ड्स ने इन दे विच एक एक इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन दा है और एक एक इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन दा है, ठीक है। तो ये तो जिहड़ी तीन बॉन्ड्स ने दिस दिस एंड दिस, दीज थ्री आर कोवलेंट बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड, ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय बैक डोनेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस विल बी योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लीयर बेटा। तो इस तरीके नाल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वह किवें बन रही है, बाय द डोनेशन ऑफ टू वेलेंस इलैक्ट्रॉन बाय वन एटम विच हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट ऑलरेडी की दी सी बेटा नाइट्रोजन दी, टू एनदर एटम, वो एनदर एटम केड़ा बेटा हाइड्रोजन विच इज़ डेफिशियंट बाय टू इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो हुण इहदे विच बेटा डोनर एटम कौन है, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, डोनर का मतलब हुंदा देन वाला, किने इलैक्ट्रॉन प्रोवाइड किए ने नाइट्रोजन ने, और असैप्टर कौन है बेटा जिन्हें इलैक्ट्रॉन्स लिते ने, तो वह की हो गया तुहाडा हाइड्रोजन ऑयन। तो इत्थे आपां इहदे उपर पॉजिटिव चा, तो एज ए रिजल्ट अपने कोल बन की रहा है एन एच फोर पॉजिटिव, ठीक है। तो जो साढ़े को एन एच फोर बन गया तो ये एक बॉन्ड केड़ी है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और तीन बॉन्ड्स केड़िया ने कोवलेंट बॉन्ड। बट नाउ अ डेज देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, मीनस जे तुसी दिस इज़ योर अमोनीयम ऑयन, इनू असी की कहने अमोनीयम ऑयन, दिस इज़ योर अमोनीयम ऑयन, ठीक है। तो ये जिहड़ा अमोनीयम ऑयन है असी इस हुण की कह रहे हैं कि इस दे विच जो चारों ही बॉन्ड्स ने वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स ने, ठीक है। असी इस दे विच ए नहीं है कि तीन नूं असी इस टाइप नाल शो करते हैं तो एक नूं असी एरो नाल शो करते हैं, वैसे जो सही तरीका है बेटा वह एरो डिनोट करता है आपां नूं कि इलैक्ट्रॉन्स है जिहड़े वह नाइट्रोजन तो किधर नूं जा रहे ने, हाइड्रोजन वल, ठीक है। सो ये जो एरो है ये सानू दस रहा है कि दिस बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री बॉन्ड्स, ठीक है। बट नाउ अ डेज वी कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस, ठीक है। तो इनू इदा करके ये उपर एक पॉजिटिव साइन पा दिता जाता है। सो दिस इज़ द कॉमन वे टू रिप्रजेंट अमोनीयम ऑयन, ठीक है। बट इन डिटेल तुहानू पता होना चाहिए कि ये जो एक इलैक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट किया गया फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज़ योर थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, फीचर्स of covalent compound, जिद्दां बेटा असी आयनिक बॉन्ड ते एक आयनिक कंपाउंड से भी फीचर स्टडी किए सी, सेम फीचर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो फर्स्ट फीचर इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जे तुहानू याद होवे आयनिक बॉन्ड दे विच असी कहा सी दे आर यूजुअली सॉलिड इन नेचर, बट कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली
गैसियस और लिक्विड, दे आर गैसियस और लिक्विड इन नेचर. सेकेंड जो इन्हों का फीचर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सो कोवलेंट कंपाउंड्स हैव वीक बॉन्डिंग. जो बेटा बॉन्डिंग होंगी है जिहड़ी कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगी है दैट इज़ यूजुअली वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड. सो बिकॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सो इना दो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो जड़े ने ऑयनिक कंपाउंड्स नालों घट होंगे ने. नैक्सट सोल्यूबिलिटी. हूँ सोल्यूबिलिटी के असी ऑयनिक कंपाउंड्स डिस्कस किया. ऑयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, ठीक है, बट कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर. सो दीज आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब होंगे बेटा जिन्हों के उपर प्लस और माइनस चार्ज की सैपरेशन नहीं होंगी. मीन्स यूजुअली इनसॉल्यूबल इन वॉटर, क्योंकि जो वॉटर है दैट इज पोलर इन नेचर. फोर्थ कंडक्टिविटी. They are poor conductors of electricity. इन्हां दे विच्चों जो electricity है वो जल्दी जल्दी पास नहीं करती, ठीक है. Fifth, directional nature. सो ऑयनिक कंपाउंड्स असी पढ़िया सी दीज आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है. उहदे विच असी कहा सी कि ईच ऑयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड ऑयन ऑन ईच साइड, ठीक है. तो असी उहनू किहड़ी बॉन्ड कह रहे हैं नॉन डायरेक्शनल. बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड इज लोकेलाइज्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स. सो इट इज डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है बेटा. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड योर डायरेक्शनल नेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर रेजोनेंस. अगर चलो पहला रेजोनेंस डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज रेजोनेंस. तो रेजोनेंस की होंगी है बेटा, शायद तुसी 10th दे विच बेंजीन मॉलिक्यूल कदी ड्रॉ किता होएगा लाइक दिस. तो उस दे विच तुहानू टीचर्स ने दस्या होएगा कि जो बेंजीन मॉलिक्यूल है इस दे विच जो डबल बॉन्ड की पोजिशन है वह फिक्स नहीं है, ठीक है. कई बारी बच्चे जिवें मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई हुई है बेटा, कई डबल बॉन्ड्स इत्थे पाते होंगे और कई डबल बॉन्ड्स इत्थे. आपां मेन ध्यान च की रखना हुंदा है कि एक डबल बॉन्ड ते एक सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, कभी भी दो डबल बॉन्ड्स इकट्ठिया नहीं शो करनी, कभी भी दो सिंगल बॉन्ड्स इकट्ठिया नहीं शो करनी। ठीक है, तो हुण इन्हां दो स्ट्रक्चर्स की सानू जरूरत क्यों पई? एक्चुअल दे विच जो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर है बेंजीन नू रिप्रेजेंट करन दी, वो असी की वे यूज़ करते हैं बेटा, लाइक दिस। तुसी आ एक रिंग बना के उहदे विच एक आ सर्कल बना दिंदे हो। ठीक है, आ जिहड़ा डॉटेड सर्कल है ये सानू की शो करता है कि सानू नहीं पता कि जिहड़ी डबल बॉन्ड है उहदी पोजिशन केड़ी सही है, फर्स्ट वाली या सैकेंड वाली। मीन्स रेजोनेंस एक्चुअली है कि वैन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है, बट इट्स करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर शोन बाय टू, देखो जी यहाँ टू है, टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, देन द फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, मैं थोड़ा दोबारा समझानी है। फॉर एग्जाम्पल असी गल करिए ओजोन मॉलिक्यूल दी, ठीक है, तो ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला की होंगे, ओ थ्री। तो ओजोन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की है, लाइक दिस। ये असी फॉर्मल चार्ज भी डिस्कस किया सीगा। ठीक है, तो हुण अगर असी इस डायग्राम नूं ध्यान नाल देख रहे हैं तो एक है डबल बॉन्ड और एक है सिंगल बॉन्ड। ना जो डबल बॉन्ड ते सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बेटा, इहदे विच जो डबल बॉन्ड की लेंथ है दैट इज योर 121 पिकोमीटर, और जो आ सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए है 148 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो कहते अगर ओजोन मॉलिक्यूल दी ये वाली स्ट्रक्चर सही है तो आ बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए है 121 पिकोमीटर, तो दूसरी केड़ी आनी चाहिए है 148 पिकोमीटर। बट एक्चुअल दे विच ऑब्जर्व किया गया है कि इन्हां दीआं दोनों बॉन्ड लेंथ सेम ने, और वह किनिया ने बेटा 128 पिकोमीटर। तो हो सकता है कि इदा हो स्ट्रक्चर, ठीक है, इतने थोड़ा नैगेटिव एंड पॉजिटिव, मैं लोन पेयर शो नहीं किते। ठीक है, मीन्स वी आर नॉट श्योर कि आ वाली स्ट्रक्चर ठीक है कि आ वाली। तो असी इस रिप्रजेंट कर दें कि देयर आर थ्री ऑक्सीजनस, ठीक है, तिना दे विच सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही है, तो सानू नहीं पता कि डबल बॉन्ड इत्थे है या डबल बॉन्ड इत्थे है। तो हुण जे तुसी इस डायग्राम नू ध्यान नाल देखते हो तो देखो बेटा की हो रहा है, अगर असी इस नू ध्यान नाल देख रहे हैं तो ये जिहड़ियां दोनों बॉन्ड लेंथ्स ने प्योरली सिंगल प्लस सम डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है, मीनस ये कोल सिंगल बॉन्ड तो हैगी ने, बट इन एडिशन टू दीज सिंगल बॉन्ड्स इट हैज सम डबल बॉन्ड करैक्टर ऑल्सो, दैट्स वाई बोथ बॉन्ड लेंथ्स आर सेम एंड इट इज़ योर 128 पिकोमीटर। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। की कहा जाता है इसनों? रेजोनेंस हाइब्रिड। सो दिस स्ट्रक्चर विल एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। सिमिलरली इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बेटा फॉर्मूला होंगे C6H6, ठीक है, तो बेंजीन दे केस दे विच रेजोनेंस हाइब्रिड कौन है? ए वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो असी रेजोनेंस नू डिफाइन किवें करना है? वैन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड
बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज are explained by two or more than two structures. When a molecule cannot be represented by a single structure, but its characteristic properties are explained by two or more than two structure and the actual structure is known as resonance hybrid. ठीक है, जदों किसी मॉलिक्यूल दियां सारियां प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर नाल एक्सप्लेन ना कीतिया जा सकन, सानू उसियां प्रॉपर्टीज नू एक्सप्लेन करन लई दो या दो तो तीन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनिया पैन और उन्हां दे विच जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसनू असी कहने हैं रेजोनेंस हाइब्रिड और इस प्रोसेस नू की कहने हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस. क्लियर हो गया बेटा की हो गया रेजोनेंस का मतलब? जदों एक मॉलिक्यूल दी सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होंगी बट उसको एक्सप्लेन करने लिए सानू दो या दो तो ज़्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पैंती है और एक्चुअल स्ट्रक्चर उन्होंने होंगी केड़ी है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस. ठीक है, सिमिलरली असी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल भी लै सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की जो एग्जाम्पल है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे विच देखो बेटा की है, दिस इज़ योर सी ओ टू. तो जो आपां ऑक्टेट रूल कह रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल दे अकॉर्डिंग की ये स्ट्रक्चर बनती है बेटा. तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर की बन रही है और आ चीज़ नहीं है बेटा ऊपर ये ठीक है. तो अगर असी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दे विच तां हरेक एटम दी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इहदे अकॉर्डिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड दी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इत्थे चार इलैक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, इत्थे भी चार इलैक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड और हरेक एटम दी जो ऑक्टेट है वह कंप्लीट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर बोथ लेंथ्स शुड बी सेम. ठीक है, और दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वह कितनी होनी चाहिए? डबल बॉन्ड वाली. ठीक है, बट एक्चुअल दे विच जिहड़ी इन्हां दी बॉन्ड लेंथ है, देखो बेटे जो ट्रिपल बॉन्ड होंदी है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, उहदी बॉन्ड लेंथ होंदी है 110 picometer. और जे असी लईए कि वह है डबल बॉन्ड तो वह कितनी होंदी है? 122 picometer. ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड के केस दे विच जो बॉन्ड लेंथ मेजर की गई है वह कितनी है? 115 picometer. इट मीनस इहदी भी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वह असी इदा रिप्रजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो वह किदा रिप्रजेंट की जाती है? देखो असी मन के चल रहे हैं दिस इज़ योर कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑक्सीजन. ठीक है, असी की मनने हैं कि दीज टू इलेक्ट्रॉन वो कित्थे शिफ्ट हो जाएंगे? जिहड़े ये दोनों इलैक्ट्रॉन्स ने दीज विल, देखो पहला ये जिहड़े दोनों इलैक्ट्रॉन्स जाएंगे इत्थे और जिहड़े आ वाले दो इलैक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इत्थे, तो की स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा तुहाडे कोल? C
ठीक है, इतने ऑक्सीजन को चार तो इलैक्ट्रॉन पहला ही सी, दो असी उन्होंने होर देते, ठीक है, तो इतने जेडे दो इलैक्ट्रॉन घटे वो नाल वाले ऑक्सीजन ने देते, बट एज अ रिजल्ट इतने किन्ने रह गए, ओनली टू इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने किन्ने हो जाएंगे बेटा, एक मिनट, ये थोड़े हो जाएंगे 4 + 6 = 10। देखो हुंदा की है, दिस इज योर कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2 3 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। हाँ जी, तो पॉसिबिलिटी की है कि ए वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इत्थे और बदले च ए दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इत्थे, तो तुहाडे कोल की बन जाएगा, इत्थे आ जाएगी सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हैज 6 valence electrons और इत्थे आ जाएगी तुहाडी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इत्थे आ जाएगा पॉजिटिव साइन तो इत्थे आ जाएगा नैगेटिव, एक्चुअल दे विच इत्थे किन्नी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी 1 2 & 3, ठीक है, या तो ए हो सकता है या की हो सकता है इस तो उल्टा, मीन्स इस ऑक्सीजन की रह जाएगी सिंगल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन की बन जाएगी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इट मीन्स सानू नहीं पता कि ए वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा ठीक है या ए वाली, तो असी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किदां ड्रॉ करते हैं बेटे, सो इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज शोन एज दोनों को सिंगल तो पक्की हुई है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं पता, ठीक है, तो इस करके जो यदि बॉन्ड लेंथ है इक्वल हो जाती है और असी उसनों की लिखते हैं बेटा, इट इज़ 115 picometers, सो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये बेटा तुसी जो एग्जाम्स लिए याद रखना है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस जी आप लिख चुके हैं और एनी वन एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल तुसी याद रख लेनी है, बेस्ट है कि तुसी याद रख लो ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, उस तो बाद जो भी असी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है तो सानू कुछ कंडीशंस नू ध्यान च रखना पैंदा है, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंडीशंस, तो कंडीशन दे विच जो फर्स्ट कंडीशन है, जिन्हियां भी तुसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है दे शुड हैव सेम एटॉमिक पोजिशंस, इहदा की मतलब है, जिन्हियां भी तुसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, जिवें देखो बेटा चाहे वह आमरी स्ट्रक्चर है चाहे वह आ वाली स्ट्रक्चर है चाहे ए वाली, सारिया दे विच जो एटम जिथे ने मीनस जिथे कार्बन से उत्थे कार्बन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ए नहीं है कि कार्बन नू तुसी इधर लिया ऑक्सीजन नू इधर लिया, ठीक है, उन्हां दे विच एटम्स की पोजिशन नू तुसी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सैकेंड जो उन्हां दी कंडीशन है दैट इज योर दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन्होंने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने उन्हों की गिनती हमेशा सेम चाहिए, हम देखो जो तुम कार्बन डाइऑक्साइड को आ वाले स्ट्रक्चर देखते हो, देखो आ वाले तो पेयर्ड ने, ठीक है, अनपेयर्ड किहड़े ने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो ये भी 8 ही ने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन्होंने जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ने दे शुड बी सेम, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव almost same energy,
इन्हां दे विच जिन्नियां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ने उन्हां दी एनर्जी है जो वो सारियां दी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए है। फोर्थ, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जिवें असी आ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो नैगेटिव साइन ऑक्सीजन पर ही आना चाहिए, कभी भी कार्बन पर नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के विचों कि इलेक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, और जोड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो कि आना चाहिए ऑन द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, लास्ट जो कंडीशन है, लाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, मीनस आ जोड़े बेटे मान लो इतने नैगेटिव है तो इस नाल वाले एटम के उपर नैगेटिव साइन नहीं आ सकता, सिमिलरली इधर अगर पॉजिटिव है तो इतने भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि जो लाइक चार्जिज आ जाएंगे बेटा उन्होंने की होनी शुरू हो जाएगी रिपल्शन, और स्ट्रक्चर की हो जाएगी अनस्टेबल। सो दीज आर द कंडीशंस विच वी हैव टू टेक केयर वाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट की सी, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम एटॉमिक पोजिशन, दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव ऑन द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड लास्ट लाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ठीक है बेटा, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट रेजोनेंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।